और दोस्तों अब इस वक्त की चार बड़े खबरें निकल कर आ रही हैं। अभी अभी के आज का ताजा लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट हेडलाइंस अलर्ट है। हर एक भारतीय नागरिक के लिए काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। आप देख पा रहे ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने अब रेलवे ने चुना AI। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सिग्नल फेल्योर को रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनाने के बाद इंडियन रेलवे ने वरिष्ठ अधिकारियों की मदद के लिए अब भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि AI का विकल्प चुना है, ताकि सेवा वितरण प्रणाली में तेजी और अधिक निर्णायक तरीके से सुधार किया जा सके। तो इंडियन रेलवे का ये बड़ा अपडेट है। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम नागरिक कर सकेंगे फाइल और रिकॉर्ड का निरीक्षण, सोमवार को 2 घंटे के लिए लागू होगा ये नया नियम। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको सुबह बताया था ये कि ये जो खबर अपडेट है ये एक दरअसल नया नियम है सरकार की तरफ से। इसमें आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर के सोमवार के दिन 2 घंटे के टाइम में, कब, दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक कोई भी फाइल या कोई भी रिकॉर्ड डाटा चेक कर सकते हैं। आम आदमी को ये अधिकार दे दिया, जिस तरह से अपन RTI फाइल लगा करके जो डिटेल्स निकालते हैं वो अब आप डायरेक्टली मंडे के दिन इस 2 घंटे के टाइम में कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये नियम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल लागू किया गया है। ओके दोस्तों, तो अच्छा अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लावारिस पशु छोड़ने वालों को अब इतने हजार तक होगा जुर्माना, कड़ा कानून बनाएगी सरकार। जी हाँ, हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लावारिस पशुओं की समस्या से निपटने को सरकार कड़ा कानून बनाएगी और कानून बनाने के साथ सरकार जुर्माना भी बढ़ाकर 6,000 रुपए करेगी। लावारिस पशुओं को लेकर हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहन अगर पकड़े जाते हैं तो सरकार उनको जब्त करने का कानून भी बनाएगी। तो वाकई में दोस्तों सरकार की तरफ से ये गाय भैंस जैसे पालतू जंतुओं के लिए काफी अच्छा निर्णय है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप देख पा रहे होंगे GST लागू होने के बाद हर परिवार को 320 रुपए की मासिक बचत, सरकार का दावा। जी हाँ, GST लागू होने के बाद एक भारतीय परिवार अनाज, खाद्य तेल और सौंदर्य प्रसाधन सहित सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं की खरीद पर हर महीने औसतन 320 रुपए बचा रहा है। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने उपभोक्ता व्यय आंकड़ों के विश्लेषण का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला पर GST की दरें कम हो गई हैं। और एटलीस्ट दोस्तों यहां पर जो अपडेट देख पा रहे इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर के सरकार ने जो ये GST टैक्स लागू किया, इससे आंकड़े और डाटा बताते कि हर एक भारतीय परिवार को 320 रुपए मासिक बचत हुई है और हो रही है। अब ऐसे में दोस्तों सरकार का कहना तो ये है, पर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में GST लागू करके PM मोदी गवर्नमेंट ने सही किया या नहीं किया? आपकी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के साथ हमेशा काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।